सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं सानी उपती थी उत्तराखंड से अपने चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। गाइज आज आई है रेखा पिटोला देने के लिए और खुद ही पकौड़ी बना रही है किचन में जाके, क्योंकि मैं भी अभी स्कूल से आई और ये भी अभी पहुंच रही है, दोनों जने मिलके बना रहे हैं। गाइज आज रेखा आई है मेरे को पिटोला देने के लिए और मैं रेखा ने क्या क्या काम कर रखा है मेरे घर में आके वो पीछे को आप देखोगे। यह इसका जाने का टाइम मैं लगाती हूँ इसको। गाइज रेखा जा रही है अब पिटोला दे के मेरे को। रेखा भी रेखा की जेठानी भी दीदी आ रही है। इस बार दो जने आए हैं मेरे को भिटोला देने के लिए। ऐसा नहीं करते हैं वो, इन्होंने तो बस ऐसा ना थोड़ी होता है। मेरे को छोड़ के मत जाया, फिर आना, फिर हाँ फिर आऊंगी। हाँ आऊंगी अब जब घर प्रवेश होगा। अरे आऊंगी ना, घर प्रवेश के दिन पक्का आऊंगी। आऊंगी आऊंगी के दिन आ जाएगी तू बस। बाय बाय। काश हो रहा है। आज वो पिटोला लेके आई थी वो और उसकी जेठानी दोनों जने आए थे। उसने मुझे अभी बताया कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि मैं स्कूल गई थी, मैं स्कूल से छुट्टी लेके जल्दी से घर आई। ये बना के लाई है खजूरे। खजूरे मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये है खजूरे, खजूरे स्वादिष्ट हो रही। ये है मिठाई का डब्बा जो मैं डेली जाती हूँ। हो गई थी मोटी, अब जाके थोड़ी पतली हुई हूँ, लग रहा पतली हो रही हूँ। यहाँ पे है मंदिर माता रानी का। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने वहाँ का एरिया, खूबसूरत देवदार। ये रहे खूबसूरत देवदार के घने जंगल। वैसे लोहाघाट के चारों ओर देवदार के घने जंगल हैं। लोहाघाट के चारों तरफ देवदार ही देवदार दिखाई देंगे तुम्हें। ये रहा यहाँ का कॉलेज। गाइस ये है लोहाघाट का बीएड का कॉलेज। गाइस यहाँ पे जो बीएड करने के लिए दूर दूर से बच्चे आते हैं तो उनके लिए बनता है यहाँ हॉस्टल, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। गाइज ये रहा लोहाघाट का कॉलेज। कॉलेज के चारों तरफ देवदार के घने पेड़ हैं और बांस के घने पेड़ हैं। यहाँ का कॉलेज बहुत सुंदर है, पेड़ों से ज़्यादा इसकी सुंदरता दिखाई देती है। ये भी रहा कॉलेज। मैं जाऊँगी भी बहुत दूर तक घूमने, वो ऊपर के रास्ते से। गाइज अब गर्मियों का मौसम आ गया तो गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लगने लगी। देखो ये सामने वाले पहाड़ में आग लगने लगी है। ये भी कॉलेज की बिल्डिंग है। यहाँ पे अभी काम पूरा नहीं हो रहा है, काम चल रहा है इसमें भी अभी। गाइज यहाँ पर है हॉस्टल, हॉस्टल का काम अभी पूरा नहीं हो रहा है, अभी काम चल रहा है इसमें। जब पूरा बन जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। गाइज आजकल उत्तराखंड में इस साल काफी किरमट पकने लगी है। गाइस तारों की ऐसी आवाज आ रही है ना, चढ़ 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 की कितनी ज्यादा आवाज आ रही है। गाइस इस पेड़ में बिच्छू का वो है घोल है, हमारे वहाँ तो ऐसे पट्टू कहते हैं और यहाँ बिच्छू कहते हैं। देखो कितना बड़ा बना रखा है पेड़ में लटका। यहाँ पीछे को गांव का सुंदर नजारा, गांव की सुंदरता, गांव का नज़ारा ही कुछ और होता है। गांव की हवा देखो, शुद्ध हवा। लेकिन यहाँ आजकल जंगल में आग लगी है, आग लगने से पूरे जंगल में धुआं ही धुआं हो रहा है चारों तरफ से। बादल भी लगे हैं आज। यहाँ पहुँच गई मैं टॉप में। टॉप से मैं आपको एक बार गांव का नज़ारा दिखाती हूँ, कितना बड़ा गांव है और कितना अच्छा नज़ारा, सुंदर नज़ारा देखो गांव का। गांव में हवा देखो कितनी अच्छी हवा है गांव की। वहाँ सामने आग भी लगी है। गाइस मैं पहुँच गई यहाँ पे देवधार के मंदिर में। ऊपर है देवी मैया का मंदिर और यहाँ से लोहाघाट दिखता है सामने। यहाँ से लोहाघाट सामने दिखाई दे रहा है। ये रहा लोहाघाट का दृश्य। लोहाघाट आधा ही दिखाई दे रहा है। वहाँ सामने रही छमन्या। अब यहाँ पर से हो जाते हैं बैक घर को। यहाँ पर तक मैं रोज आती हूँ। कहीं जब मैं जाने लगी हूँ घर को भी मुझे आज जल्दी जाना है।
क्योंकि रेखा लाई थी पिटोला, रेखा आई थी आज, और उसकी जेठानी दोनों जने आई थी आज मुझे पिटोला देने के लिए। पहले मुझे उसे कहीं जाना था पिटोला देने के लिए, उसके बाद आई हो। उसने मुझे पहले नहीं बताया कि वो आ रही है करके, उसने बाद में बताया, बाद में उसका मैसेज आया था तब मैं स्कूल में थी, आज मैं आ रही हूँ करके। फिर मैं स्कूल से घर आई, घर आके मैं भी बहुत ज़्यादा थकी थी और रेखा भी उसी समय पहुँच गई। मैं क्या बनाती उसी समय, टाइम भी नहीं था इतना। फिर रेखा ने खुद पकौड़ी बनाई, पकौड़ी बना के पकौड़ी और चाय बनाई उसने, मैंने उसे पकौड़ी और चाय खिलाई। उसके बाद वो चले गई, थोड़ी देर बैठी, ज़्यादा नहीं बैठी। रेखा और मेरी भी दोस्ती ऐसी दोस्ती है ना, ऐसी दोस्त किसी के पास नहीं होगी जैसी दोस्ती मेरे पास है। आजकल कौन किसको पूछता है, कोई किसी को नहीं पूछता। जिसे तुम जितना अपना मानोगे वो कभी तुम्हारा अपना नहीं होगा। लेकिन रेखा और मेरी ऐसी दोस्ती है, पहले से ही साथ में स्कूल पढ़ते थे, उसके बाद शादी भी हम लोगों की दोनों की यहीं लोहागाट में ही शादी हुई। और रेखा मुझे हर साल आती है पिटोला देने के लिए। रेखा नाराज़ भी है मेरे से कि हमारे घर नहीं आती करके, लेकिन मेरा स्कूल की वजह से ऐसा ही हो जाता है कि मैं जा ही नहीं पाती हूँ घर को। रेखा और जो मेरी दोस्ती एक सच्ची वाली दोस्ती है, मैं तो कहूँ दोस्ती क्यों, पहले जन्म का ना कोई रिश्ता होगा हम दोनों के बीच, तभी तो इस जन्म में भी पहले से दोस्ती थे। शादी भी दोनों की एक साथ हुई और वो मुझे इतना मानती है ना, हद से ज़्यादा मानती है। सच में ऐसे दोस्त भी मिलने मुश्किल हैं, मेरी जैसी दोस्त तो किसी के पास नहीं होगी। है तो बताओ कमेंट बॉक्स में। आते हैं हम लोग के दोस्त भी पिटोला देने के लिए, किसी के नहीं आते होंगे। रेखा के लिए मैं जितना भी बोलूं, जो भी कहूँ ना, वो सब कम है। सही में यार, मन ही मन इतना खुश हो जाती हूँ ना, सोचती हूँ मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे रेखा जैसी दोस्त मिली। आजकल कौन किसको इतना पूछता है यार, कोई किसी को नहीं पूछता है इतना, कौन किसको।